हाँ जी, किसको बुला रहे हैं? नेक्स्ट वी हैव डीजे लकी। हाय, आई एम डीजे लकी एंड आज मैं थोड़ा सैड सॉन्ग परफॉर्म करने जा रहा हूँ और थोड़ा जज्बाती और बड़ा गुस्से वाला, मतलब लड़की छोड़ के चले गई और फिर इंसान को गुस्सा जो आता है, तो वो सब आज परफॉर्म करूँगा। अकेला देखो सड़कों पे जा रहा मैं, बेवफाई के गाने शाने गा रहा मैं, हाँ चिल्ला रहा मैं, लोग बोले भौंक नहीं, इनको क्या मालूम कि तेरी शादी से आ रहा मैं। तूने बोला था कि साथ तू निभाएगी, मौत जब आई मेरे साथ मर जाएगी, मौत के दर पर खड़ा मैं अकेला, तू ये बता क्या तू साथ मेरे आएगी। दुनिया वालों मेरा यार निकला बेवफा, ना मैंने गलती की थी ना उसकी थी खता, जमाना ऐसा यहाँ पैसों पे मरते, मेरी लाइफ ठड़की लाश, उसे मिल गया कोई रिच लड़का। बोतल दारू की सर अपने तोड़ दूँ, रोगों में खून जितना सारा ये निचोड़ लूँ, दिमाग में बसी तेरी यादें, मेरा दिल कहता है अपनी मैं सांसों को रोक लूं। तेरी याद सोने नहीं देती मुझे सारी रात, तेरी याद तेरी याद तेरी याद पल पल तड़पाती मुझे सारी रात, तेरी याद हाँ तेरी याद तेरी याद सोने नहीं देती मुझे सारी रात, तेरी याद तेरी याद तेरी याद पल पल तड़पाती मुझे सारी रात, तेरी याद। बेपरवाही मार गई ये मिन्नू मेरे यार दी, अखा में अखा पाके कहंदी मिन्नू प्यार नहीं, ईद का दिन पर मैं दुखा दे नाल हसा खेडा, छड़ गई है तू पर मैं भुलिया तेरा प्यार नहीं, मैं जीना वा तेरे सहारे की करिए, कुछ समझ नहीं आता यार तेरी तरपावे, और कुछ मैनू नजर नहीं आता, राता नू तेरी आस सतावे, फोन चक तेन कोल मिलावा एक बारी, मेल हो जाए रब को जो करा दवावा, रोवा मैं अधरू सका के चेहरे तो सब गम भुला के, जिंदगी मेरी मुक चली है तेरे ही कदमा बिचा के, रिश्ते नाते छड़ के सब कुछ तेनू ही मैं मनिया, छड़ गई तू मैनू केड़ा प्यार वाला जहर पिया के, तेरी मेरी कहानी दुनिया ना है जाने, तू जाने मैं जानू या फिर बस तेरा मेरा रब जाने, तेरी मेरी कहानी बस मेरा रब जाने, तेरी मेरी कहानी बस मेरा रब। तेरी याद सोने नहीं देती मुझे सारी रात, तेरी याद तेरी याद तेरी याद पल पल तड़पाती मुझे सारी रात, तेरी याद हाँ तेरी याद तेरी याद सोने नहीं देती मुझे सारी रात, तेरी याद तेरी याद तेरी याद पल पल तड़पाती मुझे सारी रात, तेरी याद। तुमने इतने yes. आशिकों के जज्बात की तर्जुमानी कर दी अभी कि मुझे लगता है कि ये पिछले परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तुम्हारा हुक बहुत खूबसूरत था, तेरी याद ये याद हो जाने वाला है, सो मेरी तरफ से तुमने कमाल कर दिया है, मजा आ गया, बहुत आला, बहुत ही जबरदस्त, और ऐसा था कि हम कनेक्ट हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं जैन से एग्री करूंगा 100% कि हम इसमें कनेक्ट थे और हम फील कर रहे थे जो तुमने इसके अंदर जो भी इसमें सॉन्ग राइटिंग में तुम्हारे जो भी वर्ड्स थे, जिस बारे में भी तुम बात कर रहे थे, उसकी शादी की बात हो रही थी, तो यकीन करो ये ऐसा ट्रैक है, ऐसा ट्रैक है, ऐसा ट्रैक है कि हर बंदा इससे कनेक्ट किसी ना किसी जगह जाके जरूर होगा, और यही चाहिए कनेक्शन, कनेक्शन अगर आ गया यू आर सुपर। थैंक यू सर, हुक बहुत अच्छा था, याद रहने वाला हुक है, तेरी याद ऑफकोर्स याद रहने वाला, मुझे वो कनेक्ट नहीं लगा। If I were to listen to this song, अच्छा, मैंने मुझे personally पता क्या लगता है कि इसने बहुत perform किया, लेकिन इसने ये जो लिखा है ना, ये तो ना, देखो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, when you were performing, आपने जेब में हाथ डाला हुआ था, या वो थोड़ा मैं, it's all right, कोई मसला नहीं, जो जैसे हो तुम वैसे करो, उसमें problem ही नहीं है मुझे, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम इससे कहीं बड़े फनकार हो, तुम वाकई उन चंद लोगों में से हो, और ये आई थिंक समी भी अग्री करेंगे इस बात से, जिन पे हमें बड़ा फख्र है कि तुम आगे जा सकते हो और आगे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो। मुझे ये ट्रैक काफ़ी अच्छा लगा और मैं अपने माइंड में जो है वो विजुअल्स क्रिएट कर रहा था इसके, कि एक बंदा जा रहा है रोड पर और वो उदास है, और जो तुम्हारा परफॉर्मेंस का स्टाइल था वो काफ़ी सूट कर रहा था इस ट्रैक पर, और लिरिकली तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सर, और ऊपर से जो तुमने आस्तीनों पर की हुई थी ना परफॉर्मेंस में, तुम पूरे दुखी लग रहे थे उसमें, और ये सूट भी जिस तरीके से तुमने पहना हुआ, खोले हुए बटन और
एक चीज सारी चीजें ऑन पॉइंट थी। प्रॉब्लम जो साहिर भाई बोल रहे हैं ना वो ये कि तुम्हारा सब कुछ सही है लेकिन जिस तरीके से तुम उसको डिलीवर करो ना, अगर वो थोड़ा और सॉफ्ट होता, थोड़ा और अंदर से फीलिंग के साथ आ रहा होता, म्यूजिक भी थोड़ा सॉफ्ट होता, थोड़ा इमोशनल होता, तो बहुत अच्छा और लग सकता था। तुम्हारे एक ट्रैक में सबसे अच्छी बात ये थी तुमने कोई इतनी कोई गंदी बात नहीं करी, तुमने बहुत रिस्पेक्टफुली जो तुम फील कर रहे थे ना वो तुमने बताया और ये चीज़ दिखा दी है कि तुम एक अच्छे इंसान हो ब्रो, एक अच्छे आर्टिस्ट हो। गुड लक, गुड लक।